प्यार साथियों, देखिए सवाल किस प्रकार से हमारे सामने कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर से 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज। और देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से यू नो फ्रेंडली नहीं होंगे तो हमें चीज़ें आसान नहीं लगेंगी। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड, यू नो। तो कैसे करें सर, देखिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उससे पहले क्लियर करता हूँ आपको। सपोज करो कि हमारे पास तीन नंबर हैं, ए बी सी, तीन नंबर है हमारे पास। अब मैं इन तीनों का एवरेज निकालता हूँ कुछ तरीके से कि ए प्लस बी प्लस सी करूँगा और अपॉन थ्री से डिवाइड दूंगा, और मान लेते हैं कोई एवरेज आ जाता है पी हमारा, ठीक है, मान लेते हैं आता है। अब अगर मैं इधर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज, तो मुझे इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, फोर यू नो सेटिस्फेक्शन भाई, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 12 ए प्लस 12 बी प्लस 12 सी। देखिए अब भी हमने 12 की मल्टीप्लाई होगी हर एलिमेंट में, और अब उसका एवरेज निकालेंगे तो 3 आएगा और आंसर क्या है हमारा, 12 पी। मतलब कहने का यह है कि यदि आप नंबर्स में कुछ तरीके से, जैसे आपको 10 नंबर दिए हुए हैं, 10 नंबर का एवरेज दिया होगा, 10 नंबर्स में आप जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पुराना जो एवरेज होगा उसमें बस आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 12 सेवन जा आपका आंसर होगा, और आपको पता है 12 सेवन जा कितने होते हैं सर, 84, यानी कि हमारा आंसर होगा 84। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सीधा आप क्या करोगे, 12 सेवन जाए 84, आप सीधा आपका आंसर लगाओगे मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। उससे पहले सर थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मैंने देखा है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं वो इंग्लिश की वीडियोज़ को नहीं देखते, इंग्लिश के क्वेश्चन की वीडियोज़ को नहीं देखते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले या फिर जो जो हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में उनको नहीं देखते हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि मैथ्स को हम हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेजेस में नहीं बांट सकते सर। मैथ्स मैथ्स है, वो क्वेश्चन हिंदी का हो चाहे वो क्वेश्चन इंग्लिश का हो, आपको दोनों ही आने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अपने मन में या ना रखे कि सर हम तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम हिंदी वाले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। अरे भाई वही क्वेश्चन होता है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो इंग्लिश में लिखा होता है। तो अगर आप उस हिंदी वाले कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो आप इंग्लिश में कर लेंगे उसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस जो भ्रांति आपके मन में फैली हुई है इसको बाहर निकाल दें कि हम इंग्लिश में हैं तो हम हिंदी वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम हिंदी में हैं तो हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे। देखिए सभी तरह के क्वेश्चन हमें देखना चाहिए मैथ्स में, और मैथ्स में हम इसको लैंग्वेज से डिवाइड नहीं कर सकते कि हिंदी में है तो नहीं देखेंगे, मैथ्स इंग्लिश में है तो नहीं देखेंगे। हर तरह क्वेश्चन देखिए, मैं तो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी वाले क्वेश्चन से सोल्व कराता हूँ और इंग्लिश वाले क्वेश्चन से सोल्व कराता हूँ। तो आप ये देखिए ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो फिर आपको भी करने आने चाहिए, सिंपल, आप भी करिए उसी तरीके से। दूसरा ये कि बहुत सारी जगह आपको ये डर बनाया जाता है आपके अंदर कि कंपटीशन में हम पढ़ते हैं तो कंपटीशन के अंदर हमें ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, ये वो, अरे वो सब सीखना पड़ता है, वो बात अलग है। ट्रिक्स अपने ही माइंड से अपने ब्रेन से बन जाती है, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो ट्रिक उसकी हम अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट सवाल को सोल्व करने का ये है और हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, तो क्या आप उसका 25 से 75% एरिया तो आप वैसे ही खा जाओगे सवाल को सोल्व करे बिना ही, दिमाग में आधा सोल्व हो जाएगा सवाल, तो ट्रिक बन गई वही। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए और डरना नहीं चाहिए चीज़ों से कि हमें ट्रिक सीखनी पड़ेंगी, या फिर वो जो आपने 12th में पढ़ा है, जो आप 9th में पढ़ के आ रहे हो, जो आप 10th में पढ़ा है, आपने 11th में पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे कंपटीशन में आप उनको यूज़ कर सकते हो एज ए ट्रिक, आधा सवाल ब्रेन में ही सोल्व करके। तो आप उन चीज़ों को फोकस मत कीजिए, डरिए मत कभी भी। आपने पढ़ा है अभी तक 12th, आप अच्छे से करके आए हैं, आपने अच्छे से 10th किया है, आपने अच्छे से 9th 11th अच्छे से किया है आपने, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपने ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, और बिल्कुल भी डरिए नहीं। सवाल बहुत आसान होते हैं ये, इनको अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो बहुत ही ईजी है, आपने जैसे वहाँ पढ़ा है वहीं उसी कॉन्सेप्ट का आप लगा के यहाँ सवाल सोल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब 10-12-15 सवाल एक तरीके से सोल्व करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ट्रिक बन जाएगा किस तरीके से हम सवाल को सोल्व करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।